हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही आपको जो है लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिलेगा आज का। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर शिक्षा संगठनों की साझा बैठक में कई बिंदु पर जो है बनी सहमति। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धनसिंह रावत ने यहाँ पर जो है शिक्षा संगठनों के साथ बैठक किया और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। और माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अनिल शर्मा ने कहा कि बैठक में जो है सहकारी जो यहाँ पर स्कूल हैं उनके शिक्षकों की तरह यहाँ पर जो है अशासकीय स्कूलों के जो शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं उनके पति पत्नी को जो है यहाँ पर आवासीय भत्ता दिया जाने का जो है आश्वासन यहाँ पर मिला है। और वहीं यहाँ पर शिक्षा का स्तर जो है न्यून लिखने पर जो यहाँ पर जताई नाराजगी। तो बैठक में यहाँ पर जो है शिक्षकों ने यहाँ पर जो है अशासकीय स्कूलों में यहाँ पर शिक्षा का स्तर न्यून लिखे जाने पर जो है यहाँ पर नाराजगी जताई गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षा निदेशालय में यहाँ पर हुई बैठक में यहाँ पर राजकीय शिक्षा संघ के प्रांतीय जो महामंत्री डॉक्टर सोहन मांझला, उन्होंने कहा कि LTE का जो वेतन है जो आपका 5400 किया जाए ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वहीं विभाग में यहाँ पर चल रही जो वेतन विसंगति उसकी समस्या यहाँ पर उसको दूर करने की बात भी कहा गया है। और वहीं यहाँ पर 8 को यहाँ पर स्वास्थ्य प्राधिकरण में यहाँ पर धरने का जो है ऐलान भी किया गया है। और वहीं बात करें 15,000 कार्मिकों की यहाँ पर तुरंत का रास्ता साफ कर दिया गया है। तो यहाँ पर दुर्गम क्षेत्र में सेवा जो है बढ़ा दी गई है और शासन आदेश के यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर ग्रेड पे डाउन करने पर जो है उबाल भी किया गया है। तो यहाँ पर सचिवालय सेवा संपर्क में जो है कर्मचारी का ग्रेड पे डाउन करने पर जो यहाँ पर कर्मचारी में उबाल आ गया है। मंगलवार को जो है सचिवालय संघ ने यहाँ पर आम सभा बुलाई और जिसमें जो है सभा में सचिवालय से जुड़े सभी जो दूसरे संगठन हैं वो भी जो है प्रतिनिधि में हैं शामिल रहे हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर 20 वर्ष पहाड़ में जो है सेवा के बाद जो है मैदान में तबादला। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड में यहाँ पर जो है यदि नई तबादले नीति लागू हुई तो यहाँ पर शिक्षकों को जो है तबादले के लिए जो भटकना नहीं पड़ेगा और एक तय समय पर जो है इनका तबादला सुगम और दुर्गम क्षेत्र में यहाँ पर होता चला जाएगा ऐसा हमें बताया गया है। और ये समिति में सुझाव दिए गए हैं, तो ये पॉइंट आपके रखे गए काफ़ी महत्वपूर्ण। और वहीं यहाँ पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने यहाँ पर शिक्षा मंत्री उन्होंने क्या कहा गया है कि अपने तबादलों को यहाँ पर लेकर शिक्षकों ने यहाँ पर जो है कई बार जो है मेल से यहाँ पर जो है सामने समस्या रखी है और इनके समाधान के लिए यहाँ जो है एक व्यवहारिक नीति बनाने पर जो है विचार किया जा रहा है और जल्द से जल्द ही यहाँ जो है इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा शिक्षा मंत्री ने कहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर मंत्री के सामने यहाँ पर जो है आपस में उलझे शिक्षक अफसर। तो यहाँ मंत्री के सामने जो है कई जो शिक्षक अफसर थे वहाँ पर आपस में ही उलझने लगे। और प्रमोशन के लिए यहाँ पर जो है दुर्गम की सेवा पर जो है 2 साल की छूट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रमोशन में जो है दुर्गम में 2 साल का जो है छूट मिलेगा उनका यहाँ पर बताया गया है। और 30 जून 2024 तक जो है के लिए मिली राज्य कर्मचारियों को राहत। और 2 बार जो है तबादला सत्र यहाँ पर 0 घोषित किया गया और कोरोना के चलते ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और पदोन्नत के जो पात्र कर्मी होंगे उनको राहत मिली है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में हिंदी की परीक्षा में जो है धरा गया मुन्ना भाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कल से परीक्षाएं स्टार्ट हो गई थी सोमवार से। तो यहाँ पर जो है कल ही जो है विश्वविद्यालय में जो है 65 परीक्षा केंद्र में जो है 70,000 जो छात्र छात्री पंजीकृत थे उन सभी का जो परीक्षा हुआ। और पहले दिन जो है यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय डाकपत्र देहरादून में परीक्षा केंद्र में जो है एक मुन्ना भाई पकड़ा गया। और राजकीय महाविद्यालय डाकपत्र में सोमवार सुबह जो है 9 से 11 वाली जो पारी थी इसमें जो है BA तृतीय वर्ष वाला जो है हिंदी विषय की जो है परीक्षा में एक युवक जो है पकड़ा गया। वह दूसरी छात्र के स्थान पर जो है परीक्षा दे रहा था, तो दूसरी की जगह पर अपना परीक्षा देने आया था। अभिभावकों ने जो है JSC में जो है की तालाबंदी। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड में शिक्षकों की काफ़ी कमी चली हुई है और प्रधानाचार्य है और यहाँ पर शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति की मांग चल रखी है और अभिभावकों ने यहाँ जो है तालाबंदी भी की है। और अल्मोड़ा से ये बात आ रखी है, इसमें जो है अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज जो कि आपका चैनलिया में जो है प्रधानाचार्य सहित जो है शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति नहीं होने से यहाँ पर नाराज अभिभावक हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है सोमवार को तालाबंदी की है। और उनकी मांग ये रखी गई है कि जल्द से जल्द जो है इन शिक्षकों को भर देना चाहिए क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा शिक्षक खाली है जिसमें आपके LTE प्रवक्ता और यहाँ पर प्रधानाचार्य ये सभी जो है पद खाली हैं, तो इसी वजह से इनकी तालाबंदी की गई है। बात करें कोरोना अपडेट को लेकर, तो यहाँ पर 275 नए केस यहाँ पर आए हुए हैं और एक की मौत भी यहाँ पर हो चुकी है कोरोना से। और वहीं बात करें यहाँ पर परीक्षा हल कराने वाला जो क्लर्क है वो भी गिरफ्तार कर दिया गया है। तो उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला यहाँ पर है, जो BDVBDO योग्यता प्रवेश पेपर लीक था उसमें यहाँ पर जो है नैनीताल मुख्य न्यायिक जो मजिस्ट्रेट है वहाँ पर जो है कोर्ट में कनिष्क सहगली क्लर्क के पद पर जो है तैनात था आरोपी और उसने यहाँ पर जो है पेपर सॉल्व करके जो यहाँ पर जो है कई लोगों को दिया था और इसका जो है एस्टिमेट खुलासा कर दिया गया है। और 15 लाख रुपये तक का यहाँ पर जो है इन्होंने सौदा भी किया था एक पेपर को हल करने को लेकर, तो इसमें यहाँ पर जो है ये गिरफ्तार हो चुके हैं।
और वही बात करना तबादला एक्ट की जो है विसंगति और जो है कार्रवाई की मांग की गई है, तो 2024 तक जो है बढ़ाने की भी यहाँ शासनादेश मिनिस्टर कर्मचारियों को खुद यहाँ पर जताई गई है। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है यहाँ पर 26 जो है आपके स्कूल्स होंगे वहाँ पर जो है स्वच्छता पुरस्कार यहाँ पर दिया जाएगा, और इसके लिए यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी कर दिए हैं, और अफसरों को जो है कामकाज में जो है तेजी लाने की यहाँ पर जो है नसीहत भी है शिक्षा मंत्री ने जारी किया है। तो कामकाज में जो है तेजी लाने की बात यहाँ पर शिक्षा अफसरों को दिया गया है, क्योंकि शिक्षा विभाग में काफ़ी काम लेट होता है। और वही बात करें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती को लेकर, तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद से यहाँ पर 149 जो युवा हैं PCS प्री परीक्षा में जो है पास। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जैसे 149 जो अभ्यर्थी हैं वो फेल होने के बाद से फिर से पास कर दिए गए हैं, और इनका जो है कुछ नंबरों से रह गया था। और यहाँ पर इसमें क्यों किया गया था वो मैं आपको बता देता हूँ कि अर्हता संबंधी जो यहाँ पर मामला था उसकी वजह से यहाँ जो है यहाँ पर अंक पूरे आने के बाद भी यहाँ पर नहीं हुआ था चयन, क्योंकि इनकी अर्हता को लेकर बात थी, क्योंकि इनके नंबर ज़्यादा थे लेकिन अर्हता को लेकर असमंजस था, क्योंकि आयोग ने जो नियमावली थी जहाँ से आई हुई थी वो उसके अनुसार जो है इनको बाहर किया गया था, और इसको लेकर जो है कोर्ट में मामला चला और कोर्ट ने यहाँ पर आदेश कर दिया है, और यहाँ पर 149 जो अभ्यर्थी हैं उसको जो है प्री एग्जाम में पास कर दिया गया है, और वेबसाइट में जो है इनका परिणाम भी घोषित कर दिया गया है, और डिप्लोमा नहीं डिग्री भी चलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आयोग के जो सचिव कर्मेंद्र सिंह हैं उनका बताया गया है कि जिला सूचना अधिकारी के लिए यहाँ पर अर्हता में जो है PG डिप्लोमा था, लेकिन सरकार ने यहाँ पर माना कि इससे उच्च स्तर की जो है डिग्री भी यहाँ पर मान्य होगी, और इसी प्रकार जो है हॉर्टिकल्चर से जो जुड़े पद थे उन पर भी यहाँ पर उम्मीदवारों को भी यहाँ पर जो है मौका दिया गया, और उन्होंने जिन्होंने यहाँ पर ग्रेजुएशन या PG में हॉर्टिकल्चर पढ़ा है उनको यहाँ पर मौका मिला है, और आयोग ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि उम्मीदवार जो है निरस्त यहाँ पर इसमें जो है कमी पाई जाने पर जो है उनकी जो यहाँ पर उम्मीदवारी थी निरस्त की जा सकती है, और सभी को जो है 20 और से लेके 23 अगस्त के बीच में होने वाले जो मुख्य परीक्षा आपके पीछे से हैं उनमें बैठने को मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आदेश जारी हो चुके हैं और इन्हें क्वालिफाई किया हुआ था, लेकिन अर्हता को लेकर जो है इनका असमंजस था जो कि अब कोर्ट ने क्लियर कर दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर सहायक अध्यापक का जो यहाँ पर स्टेट कैडर बनने के लिए यहाँ जो है गठित होगी समिति, तो ये गठित कर देगी समितियाँ और जो कि सहायक अध्यापक स्टेट कैडर को लेकर, और इसमें यहाँ पर कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए शिक्षा मंत्री के द्वारा, जिसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक संगठन के साथ यहाँ पर बैठक में कई बिंदुओं पर जो है सहमति बनी हुई है। और वहीं बात करें यहाँ पर पेपर लीक में जो यहाँ पर तैनात जो हाईकोर्ट क्लर्क था उसको दबोच लिया गया है, और रद्द हो सकती है योग्यता प्रश्न की परीक्षा विवाद परीक्षा। तो यहाँ पर देख सकते हैं रद्द भी हो सकती है योग्यता प्रश्न की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विवाद में आ चुका है, हो सकता है यहाँ पर जो है इसको रद्द भी किया जा सकता है। और वहीं बात करें यहाँ पर नेगीदार को यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रोटरी क्लब अलकनंदा वैली द्वितीय अस्थापन समारोह जो है यहाँ पर मेथला स्थित जो है होटल में धूमधाम के साथ मनाया गया, और यहाँ पर जो है जो गढ़वाली लोक गायक हैं गण रत्न एवं प्रसिद्ध लोक गायक जो आपका नरेंद्र सिंह नेगी है उनको यहाँ पर जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। और वही बात करें यहाँ पर परिजनों के जो है पत्रकार वार्ता करने पर जो है यहाँ पर 4 सिपाही निलंबित, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 600 ग्रेड पे नहीं मिलने पर जो यहाँ पर दी थी आंदोलन की चेतावनी, और यहाँ पर जो है कहा गया कि पेड ग्रेड मामले में जो है पुलिस कर्मियों के परिजनों के पत्रकार वार्ता करने पर जो यहाँ पर 4 सिपाहियों को जो है निलंबित कर दिया गया है, और उनमें यहाँ पर 1 सिपाही चमोली का है, 1 उत्तरकाशी का है, 2 यहाँ पर देहरादून के हैं। तो कार्रवाई के विरोध में अभी सोमवार को परिजन पुलिस मुख्यालय के बाहर जो है आंदोलन करने के लिए पहुँचे, और इसके बाद यहाँ पर जो है DGP अशोक कुमार ने समझाने के बाद जो है उनको लौटा दिया गया है, और कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत जो यहाँ पर कार्रवाई भी करी गई है। और यहाँ पर जो है चौथा सिपाही बोला कि मेरी परिजन नहीं थे शामिल, ऐसा यहाँ पर चौथा जो सिपाही था उनका भी ये भी कहना है। LT शिक्षकों के जो है प्रदेश कैडर बनेगा, तो यहाँ पर देखते हैं LT शिक्षकों का यहाँ पर अब कैडर बनने वाला है। शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत ने अब जो है सरकारी और अशासकीय स्कूलों के शिक्षक संगठन के साथ यहाँ पर बैठक किया, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर लिए हैं, और 20 साल की सेवा पूरी कर चुके जो यहाँ पर गंभीर बीमार वाले जो शिक्षक होंगे उनके रिटायरमेंट यहाँ पर किए जाएंगे, और साथ ही यहाँ पर जो है 20 वर्ष से कम सेवा वाले जो यहाँ पर शिक्षक होंगे उनके यहाँ के लिए फार्मूला तलाश कर रहे यहाँ पर जो शिक्षा विभाग रहा है। ठीक है, तो तलाश किया जा रहा है इसमें फार्मूला 20 साल से कम से इनकी सेवा हो रखी है। और वहीं यहाँ पर यह भी निर्देश यहाँ पर जारी कर देंगे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चयनित जो यहाँ पर प्रवक्ताओं को जो है ज्वाइनिंग करने का जो है अधिकतम 25 दिन का वक्त यहाँ पर, और फिर जो है वेटिंग लिस्ट
होगी जारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रवक्ताओं की वेटिंग लिस्ट भी आपकी जल्दी जारी हो जाएगी, 25 दिन के अंदर जो है इनको नियुक्ति भी मिल जाएगी। और वहीं यहाँ पर ये निर्देश जारी करे हैं, और प्रधानाचार्य की जो है 50% जो है पद रिक्त यहाँ पर, और इस पर जो है यहाँ पर सीनियर प्रवक्ताओं के माध्यम से यहाँ पर भरने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और अगली कैबिनेट बैठक में यहाँ पर जो है लाया जाएगा प्रस्ताव ये, ठीक है। और वहीं यहाँ पर उच्चकृत जो यहाँ पर हाई स्कूल है वहाँ पर जो है रिक्त पदों पर जो है प्रमोशन के जरिए यहाँ पर जो है होगी तैनाती। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उनकी तैनाती होगी जिनमें यहाँ पर उच्चकृत प्रमोशन करने की बात कही गई है। और वहीं अशासकीय स्कूल में जो है स्वशत्रांत लाभ यहाँ पर जो है व्यवस्था होगी, और इसके लिए यहाँ पर जल्द आदेश जारी कर दिया जाएगा। और वहीं यहाँ पर SCERT और यहाँ पर जो डाइट यहाँ पर क्वालिफाइड शिक्षक है उनकी यहाँ पर जो है होगी नियुक्ति। और हेडमास्टर को यहाँ पर जो है प्रधानाचार्य पद पर जो है प्रमोशन के लिए यहाँ पर जो है 5 के बजाय जो है 2 वर्ष की जो है सेवा का जो है मानक बनाने पर जो है यहाँ पर होगा विचार। और वहीं अशासकीय स्कूलों में जो है शिक्षकों को यहाँ पर जो है समय पर वेतन है राजकीय की जो है समान वेतन भत्ते व जो है NP सुविधा को जो है होगी कार्रवाई। तो यहाँ पर सेम जो शासकीय स्कूल में होता है सेम आपका अशासकीय लागू होगा बताया गया है। और दुर्गम में ही यहाँ पर जो है रहने वाले जो शिक्षक होंगे उनके तबादले जो है रोकने से यहाँ पर जो है रिक्त पदों पर जो है यहाँ पर अनुरोध के आधार पर जो है उनके तबादले किए जाएंगे ऐसा बताया गया है। और वहीं यहाँ पर बताया गया कि कार्मिक विभाग के अनुसार जो है यहाँ पर 20 साल की सेवा पूरी होने से यहाँ पर जो है शिक्षक कर्मचारी को जो है रिटायर यहाँ पर किया जाएगा। और 20 साल की सेवा पूरी होने से यहाँ पर जो है कार्मिक के वित्तीय लाभ जो है प्रभाव नहीं होगा, और उनमें यहाँ पर आर्थिक नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। और 20 साल से कम सेवा अवधि वाले जो रिटायरमेंट के लिए इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला तलाशा जा रहा है, और जिससे यहाँ पर उन्हें किसी प्रकार की जो है वित्तीय नुकसान यहाँ पर नहीं हो। तो बात करें आज की जॉब अलर्ट को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि PDIL यहाँ पर जो है 132 पदों पर जो है डिप्लोमा डिग्री इंजीनियर्स के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं, ₹800 आपका शुल्क रहेगा। वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। और वहीं यहाँ पर सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 31 पदों की वैकेंसी निकाली गई है सीनियर मैनेजर अन्य पदों पर। इसके लिए आप यहाँ पर 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट बेस पर आपका रहेगा। और वहीं यहाँ पर RCFL यहाँ पर जो है 396 पदों के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट ट्रेनी टेक्नीशियन अप्रेंटिस इनके लिए पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 18 से लेकर 25 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई इन पदों पर कर सकते हैं। 14 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। आवेदन माध्यम आपको ऑनलाइन होगा, वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। और वहीं यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं और भी अन्य जगह पर, जिसमें आपका यहाँ पर CSIR यहाँ पर जो है भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान यहाँ पर जो है 24 अगस्त तक आवेदन मांगे गए हैं। और वहीं यहाँ पर THDC यहाँ इंडिया लिमिटेड यहाँ पर भी आपके 9 अगस्त तक आवेदन मांगे गए हैं, इन पर भी आप आवेदन कर सकते हैं।